नंबर सर। थैंक यू श्री चंद्रशेखर प्रसाद जी। और अध्यक्ष महोदय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों पर बहस इस चर्चा में भाग लेने के का जो आपने अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजमार्ग मंत्रालय पर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस आवंटन में से 67% NHAI को दिया गया है। इसके बाद सड़कों और पुलों के लिए 64.573 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। PM गति शक्ति मास्टर प्लान में NH नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर तक विस्तार की परिकल्पना की गई है। वित्त पोषण किए नवीन तरीकों के माध्यम से अलग से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसका परिणाम निश्चित रूप से सुखद होगा। देश में NH निर्माण की गति 2020-21 में रिकॉर्ड 37 किलोमीटर प्रतिदिन छू गई है। यह सभी कदम स्वागत योग्य है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय गडकरी जी NH के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। बिहार में नीतीश बाबू की सरकार ने भी सड़कों के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है और बहुत सारे माने टोला तक को संपर्क सूत्र से जोड़ दिया गया है। बिहार के इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है कि भारत सरकार और कुछ आर्थिक मदद करे। आदरणीय गडकरी जी ने से मैं एक मांग पुनः करता हूं। जहानाबाद से अरवल जाने वाली रोड पर अंडर पास NH 110 के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने के लिए हम कई एक बार आग्रह किया है लेकिन विभिन्न कारणों से उसको नकारा जा रहा है। हम फिर से आग्रह करते हैं कि जहानाबाद में जो 110 पर अंडर पास है उस पर फ्लाई ओवर बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, PM पैकेज में उन अन्य योजनाओं के माध्यम से बिहार को काफ़ी अच्छी संख्या में NH के निर्माण और चौड़ीकरण की स्वीकृति मिली है। वहाँ NH के काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद में NH 83 एवं NH 110 पर काम चल रहा है। यह एक सराहनीय कार्य है और एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे 119D बनने जा रहा है। इसके लिए हम पूरे बिहार की जनता और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और गडकरी जी को धन्यवाद देते हैं। NH के को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए संसदीय क्षेत्र से आने वाले जो समस्याएं हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे बात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रोड एक्सीडेंट भारत की एक बड़ी त्रासदी बनकर उभरी है। भारत के 3% GDP सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की वजह से कम हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष करीब 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 10% अकेले भारत की है। मरने वालों में युवाओं की संख्या ज़्यादा है जो और भी गंभीर बात है। मरने वालों में 65% 18 से 35 वर्ष के लोग होते हैं। यह भी एक संवेदनशील बात है। महोदय, तमाम कदम उठाए जाने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएँ और उनसे होने वाली मौतों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। बढ़ती आबादी और वाहनों की बढ़ती संख्या के अनुपात में आधारभूत ढांचा बनाने में कमी इसका एक बड़ा कारण है। महोदय, इसके साथ ही गलत तरीके से ओवरटेक करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग न करना जैसे कारणों से सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो रही है। सड़कों में गड्ढे से भी बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं और मौतें होती हैं। 2013-17 के बीच सड़कों पर बने गड्ढों के कारण हुई दुर्घटनाओं के चलते 14,926 लोगों की जान का से हाथ धोना पड़ा है। महोदय, इसके अलावा कुछ और विषय है जिस पर केंद्र सरकार की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। राजमार्गों के निर्माण के समय गुणवत्ता को बनाए रखना देश हित में एवं समाज हित में है। ऐसी शिकायतें मिलती है कि NH की कुछ परियोजनाओं में क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित नहीं किया जाता है। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का पालन करते हुए राजमार्ग मंत्रालय को स्थानीय सांसदों को भी कहीं न कहीं से उसमें सहभागिता करानी चाहिए। राजमार्गों निर्माण की गुणवत्ता मेंटेनेंस करने में कहीं न कहीं
पकड़ होनी चाहिए और सड़क के संबंधित अनेक परियोजनाओं को पूरी होने के बाद भी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से धन का इंतजार करना, यह भी एक बहुत संवेदनशील बात है। इस पर ध्यान देना होना होगा, क्योंकि बिहार सहित देश के अन्य राज्य सरकारों के पास संसाधन सीमित है और अगर उन्हें समय पर फंड मिल जाता है तो परियोजनाएं जल्दी पूरी हो सकती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में मैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री एम के विष्णु कुमार जी।